अपघात टायर फुटल्याने नाही तर असा घडला, पुण्याच्या प्रवाशाने सांगितली हकीकत। सोलापूर शहर जिल्ह्यामध्ये अनेक महिन्यांनंतर भीषण अपघात झाला। सर्वच रस्त्याचं चौपदरीकरण झाल्याने अपघात क्वचित होत आहे, मात्र मंगळवारचा दिवस अक्कलकोटवरून सोलापूरला येणाऱ्या प्रवाशांसाठी घातक ठरला। प्रवासी जीपमध्ये प्रवास करणारे तब्बल 5 जण जागीच ठार झाले तर अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झालेत। 2 महिला आणि 3 पुरुष जागीच ठार झालेत। अनेक जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे। दरम्यान प्रवासी जीपचा पुढचा टायर फुटून जीप पलटी झाली आणि हा अपघात झाला अशी माहिती प्राथमिक दृष्ट्या समोर आली। मात्र हा अपघात टायर फुटल्याने झालाच नाही, हा अपघात तर जीपचा चालक वारंवार फोनवर बोलत होता, त्याचे लक्ष विचलित होते। समोर खड्डा आला आणि अचानक जोरात ब्रेक त्याने दाबला, त्यामुळे वेगात असलेली गाडी 2 वेळा पलटी झाली। अनेक प्रवासी बाहेर फेकले गेले, काही प्रवासी आतमध्ये दाबून गेले, त्यामुळे 5 जणांवर काळाने घाला घातला। याबाबत अक्कलकोटवरून पुण्याला जाणाऱ्या एका वृद्ध प्रवाशाने सविस्तर हकीकत सांगितली आहे। पाहते काय म्हणाले। हिंदी बोलता, नाम बोला पहिला। सर और मैं बुरहानपुर से अपने बस स्टॉप पे आया, फिर वहाँ 10 मिनट के बाद मैं अपने अधिकारी से बस आई से चालू है, बस छुट्टी है, वो साफ बोला अभी मैं बस इसको चालू नहीं करना था। तो फिर ये टेम्पो वाला सोलापुर बोल रहा था, जीप था क्या, टेम्पो था? हाँ जीप, वही टेम्पो के बारे में। तो वो बोले सोलापुर में, मतलब वहाँ कितना लेते हैं? बोले 60 रुपए। बोले चलेगा, मेरे को ना जाना है, आगे बस मेरे मिलता नहीं। गाड़ी में कितना पैसेंजर थे? कितने आदमी बिठाए थे गाड़ी? मेरे इस पे 5 बोगी थे, मेरे लाइन पूरा गाड़ी में कितने थे? फुल देखो ना, 12, 19, 10 और पीछे क्या, तो 4, 5, 6 बोगी से 25 थे क्या? हाँ देखो ना, अभी सब मेरे हिसाब से 5 बोगी, दूसरे टप्पे 5 बोगी, 10 बोगी। हाँ फिर वो पीछे और कितने थे, मतलब 4 बोटा या 5, 6 बोटा? सर तुम क्या काम क्या करते? मैं पूना हूँ सर। पूना में क्या करते काम? मैं वाटर में काम करता, वाटर में लीकेज काम करता। बैठा था, आया गाड़ी, इतनी स्पीड में गाड़ी लाया वो, मैं बोल रहा था वो बाजू ली, उसको नहीं बोला, सबको नहीं बोला। बोला यार जरा बोलो, जरा दम चमको सब आए तक नहीं थे। वो फोन लगाया था, फोन से बात करते गाड़ी का, फोन चालू था उसका, लगे वो सामने नहीं क्या खंबा है 3 लाइट का, वो खड्डा था, निगाह गई उसका, उसको मैं खड्डे के साथ ही बता रहा है, कुछ नहीं बोलने का किसी को। वो खड्डा देखने के देखा उसका कपड़ू गिर मार, ब्रेक मारे और पलटी हुई, टायर फूटा क्या? पलटी हुई, टायर का आवाज नहीं आया सर, नहीं आया, पलटी हुई गाड़ी सर, एक मार के दूसरा मार खड़ा। तुमको बाहर कौन काटे? मैं वो जो आवड़े थी ना ज्यादा लगी ना, वो मेरे सामने बैठी थी साहब, तो मेरे को उसको निकालने का चांस मिला, वो निकली तो मैं निकल जाऊंगा, ये मुंडी है ना मेरी वहाँ थी, तो मैं जरा हिम्मत से जरा भगवान ना, तो वो औरत को पहले मेरे बड़े लाश थी उसको दबा के बाहर ढकल दिया। औरत जगह पर मरी थी क्या? मैं अभी जिंदी थी, पानी उसको ढकल के, फिर लोड मेरे पे आया, लोड बढ़ने से दम रोके हो रहा, मेरे वजह से दम रोके निकल गया। रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करूया, यंदाचा उन्हाळा सुसह्य करूया। पावसाच्या पाण्यापासून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीनं जवळपास 50,000 लिटर पाण्याची आपण बचत करू शकतो। 5 लोकांच्या कुटुंबाला दरवर्षी 5,000 ते 10,000 लिटर पाण्याची गरज असते। छतावर कनेक्शन देऊन पाईपमध्ये थोडेसे बदल करून